वीके न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी शनिवार को महाराज के सामने आंसू बहाती नजर आई है। जी हां, केंद्रीय मंत्री सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर इस वक्त ग्वालियर आए हुए हैं, जहां ग्वालियर की शाम वाटिका में अनुसूचित जाति के एक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं ना भी रहूं तब भी आपके समाज का उत्थान के लिए हमेशा काम होते रहेंगे। वही सिंधिया के इन बातों को सुनकर पूर्व मंत्री इमरती देवी की आंखों से आंसू छलकने लगे। इसके बाद भींगी आंखों से इमरती देवी ने कहा कि महाराज कभी ऐसा मत बोलना। उसके बाद सिंधिया ने इमरती देवी का हाथ पकड़कर हौसला बढ़ाया। बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय लगातार अलग अलग संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में शाम वाटिका में अनुसूचित जाति वर्ग की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। दरअसल इस समय ग्वालियर चंबल अंचल में जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति जोरों पर है। यहाँ ओबीसी SC ST और सवर्ण वर्ग के बीच लगातार बयानबाजी और विरोध दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के सभी बड़े नेता ग्वालियर में अलग अलग जाति वर्ग की बैठक लेने में लगे हुए हैं। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज MP। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।